हेलो, मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 2 छोटे चम्मच। अच्छी तरह मिक्स कर ली हूँ। अब मैं चलती हूँ इसकी टिकिया बनाने। ये देखिए, मैं टिकिया बना लेती हूँ। अब इसी तरह सारे टिकिया बना लेना है बहुत ही आराम से। टिकिया बनने के बाद अब देखिए, मैं इसे सूजी में अच्छी तरह लपेट लूँगी हल्के हाथों से। आप यहाँ पर सूजी की जगह ब्रेड क्रम्ब भी ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी टिकिया अच्छी तरह बना ली हूँ। अब मैं इसे चलती हूँ फ्राई करने। अब मैं डाल देती हूँ पैन में 2 चम्मच तेल। अब मैं सारे टिकिया को पैन में डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। ये देखिए, इसी तरह बस हमें धीमी आंच पर सेक लेना है सारे टिकिया को। देखिए फ्रेंड्स, सारे टिकिया बनकर रेडी हैं। हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए, हमारी आलू मटर की कटलेट्स कितनी स्वादिष्ट और कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी डिलीशियस है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक।